हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ कोमल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ एवर यूथ का गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क। इसको मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को रिव्यू देती हूँ। और इस पे जो मेंशन है ये है 50 ग्राम का है, इसका नेटवेट जो है 50 ग्राम है। और मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को रिव्यू दूं, आपके सामने इसका रिजल्ट दूं कि ये कैसा रिजल्ट देता है। और इसे आप वीक में दो बार यूज कर सकते हैं। और इस पे लिखा हुआ है लुक योर बेस्ट फॉर एवरी स्पेशल ओकेशन विद न्यू एवर यूथ नेचुरल एडवांस गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क। इस पे लिखा है इट्स अ होम फेशियल, 24 कैरेट गोल्ड है इसमें, ऑरेंज पील एफ एक्सट्रैक्ट है। और ये एकदम मतलब बहुत अच्छे से स्किन को स्मूथ कर देता है, स्किन को क्लीन करता है, डर्ट को बाहर निकाल देता है, ये सब इस पे मेंशन है। लेकिन ये तो हमें यूज करने के बाद में ही पता चलेगा। तो इसको यूज करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको यूज करने से पहले क्या करना है, आपको अपने बालों को बांध लेना है और अपने चेहरे को बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है, जो कि मैं करके बैठी हुई हूँ। मतलब मेकअप नहीं होना चाहिए चेहरे पे कोई भी, तभी इसका रिजल्ट आएगा। इस तरीके से मैं क्लैचर लगा लेती हूँ। और इस पे मेंशन है कि आपको इसे आंखों के चारों तरफ नहीं लगाना है, आंखों से थोड़ी दूर रखना है। और इसमें ऑरेंज जैसी खुशबू आएगी, ऐसा इसमें मेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका देख रहे हो आप, पैकिंग अच्छी सी है और ये 2 से 3 बार क्या ज़्यादा ही बार यूज हो सकता है। और जी देखिए, इसका जो मैंने ओपन किया है इसमें छोटा सा होल है। और इसे मैं अभी चेहरे पर अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। इस तरीके का ये इसमें से निकलता है, गोल्डन कलर का ही निकलता है। आपको इस तरीके से अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई करना है। बस आंखों के पास थोड़ा सा छोड़ के और थोड़ा सा नोज के पास, क्योंकि इसकी स्मेल आपकी नाक में चली जाएगी, जो आपके लिए अच्छी नहीं है, सभी के लिए अच्छी नहीं है। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ये मेरी थोड़ी सी आंखों में चुभता है क्योंकि मेरी आंखों के पास में लग गया है ये। और मैं इसको थोड़ा सा एक डबल लेयर और लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा कम लग रहा है। मैं मोटी थिक लेयर लगाना चाह रही हूँ, मेरे बाल इसमें आ गया। थ्रेडिंग से दूर, आंखों से दूर, नाक से दूर, कहां कहां से दूर लगा यार। इस तरीके से आप इसे लगा लीजिए। और ये लग गया है, इसमें तो लिखा है कि 15 मिनट तक आपको लगाना है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 15 मिनट में ये सूखेगा, क्योंकि मैं पहले यूज कर चुकी ना, मैं इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ। अब देख लीजिए अच्छे से ये लग गया है। तो 15 मिनट तक तो मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगी, 15 मिनट बाद आपको मैं मिलती हूँ। मैंने और ज्यादा लगा लिया, थिक लेयर होनी चाहिए ना, पता चलना चाहिए ना इससे बाल भी हटेंगे या नहीं, फेशियल हेयर रिमूव होंगे या नहीं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको 15 मिनट के बाद में। तो अभी से हो चुके हैं 15 मिनट से ज़्यादा, शायद विंटर है इस वजह से टाइम लगा। और इस पे मेंशन है कि इसको फोरहेड से डाउनवर्ड करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में से निकालना है चिन की तरफ। तो मैं इसको निकालना स्टार्ट करती हूँ। अभी भी थोड़ा सा ड्राई है, 15 मिनट्स सॉरी गीला है, अभी भी थोड़ा सा ड्राई बोल रही हूँ। कहीं से ड्राई हो चुका है, कहीं से नहीं हुआ है। ये बड़े आराम से निकल रहा है। और इस पे मेंशन है कि आप इसे अच्छे रिजल्ट के लिए हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं, मतलब वीक में 2 बार आप इसे यूज कर सकते हैं। इधर से देखो अभी गीला है और इधर से सूख चुका है, ऐसा क्यों? तो पहले इधर से निकाल लेते हैं।
देखो अभी भी गीला है, मैं इधर से नीचे से निकाल के देखती हूँ इसको, और अभी तो ऊपर से निकाला था, एक बार नीचे से निकाल के देखते इधर से कितना पेन होता है। निकालने में यार दर्द तो नहीं हो रहा है, बहुत आराम से ये निकल रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो ऐसा कुछ नहीं है, पर जहाँ पे बाल जैसे अभी मेरे ये बालों में लग गया था तो वहाँ पे थोड़ा सा दर्द है। ये यार पता नहीं क्यों मेरे गाल ज़्यादा गीले हो गए हैं लग रहा है, इसको निकालने में यहाँ से थोड़ा सा हो रहा है। यहाँ से स्किन बिल्कुल खिंचने भी लग गई है, मतलब इतना ड्राई हो गया, और चीक एरिया से बिल्कुल भी ड्राई होने का नाम नहीं ले रहा है। बाल तो यार इसमें नहीं निकल रहे, एक निकला है गलती से इसमें। वैसे ये फेशियल हेयर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, छोटे छोटे से बाल एक दो आए हैं, मैं आपको कैसे दिखाऊंगा इसमें तो पता भी नहीं चलेगा। अगर देख सकते हैं तो ये वाला अगर दिख रहा है, नहीं दिखाई देगा, दो तीन बाल इसमें निकले हैं। निकलो यार देख, ये भी बोल रहा है नहीं वीडियो नहीं बनानी है ऐसे, क्योंकि देखो यहाँ से मैं गीला हूँ, यहाँ से पता नहीं ये क्यों गीला है। फेशियल हेयर के लिए तो नहीं है यार, इसको मैं ऐसे ही निकालती हूँ क्योंकि ये सूख नहीं रहा है, यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ऐसा होता नहीं है शायद, मैं विंटर हो चुका है मतलब आज थोड़ा सा मौसम ठंडा है इस वजह से ऐसे सूख नहीं रहा है, शायद ऐसा कुछ हो सकता है। वैसे ये लो निकल गया, ये और सारा पानी से निकलेगा जब आप चेहरे को वॉश करेंगे तब निकलेगा। ये मेरे बालों में थोड़ा सा चिपक गया है, निकल जाएगा आराम से। तो मैं आपको चेहरा वॉश करके दिखाऊं, ये ऐसे आप देख सकते हैं इससे थोड़ा सा ग्लो तो लग रहा है चेहरे पे, मैं बिल्कुल पास से आपको दिखाती हूँ, ये देखो चेहरा क्लीन तो लगता है यार इससे, क्योंकि मैं तो पहले भी यूज कर चुकी ना इसलिए मैंने आपको रिव्यू दिया, क्योंकि मैं जो भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ उसके बाद में आपको रिव्यू देती हूँ। तो चेहरा इससे थोड़ा सा क्लीन हो गया है, और वॉश करके मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ, मैं इसको गीले कपड़े से ही इसको सारा साफ करूंगी। तो आज का ये था मेरा रिव्यू, अच्छा सा ग्लो आ गया है तो मेरे लिए तो ये अच्छा है। आप लोग देखिए यूज करके और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। ये मेरी गलती से ही आई थिंक यहाँ से नहीं छूटा था, और ये रिमूव हो चुका है, ये मेरे बालों में चिपका है मेरी गलती से, तो ये गीले पानी से बिल्कुल साफ हो जाएगा, गीले पानी से बोल रही गीले कपड़े से साफ हो जाएगा। तो चेहरे पर एक अच्छा सा ग्लो है, आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये जो आपको कहीं कहीं पर नजर आ रहा है ये मास्क ही लगा हुआ है अभी तक, इस वजह से ये आपको नजर आ रहा है, अदरवाइज बहुत अच्छा सा चेहरा लग रहा है। देखिए बिल्कुल साफ हो गया है चेहरा, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। बस अगर आप फेशियल हेयर हटाना चाहते हैं तो मत यूज कीजिए, ग्लो चाहते हैं तो यूज कर लीजिए। वैसे यार 75 रुपीज में आई थिंक, यहाँ 70 रुपीज में 50 ग्राम है, तो क्या चाहिए यार, कहीं पार्टी में जाना है और सडनली तुम्हें पता चलता है कि यार वहाँ पे बर्थडे पार्टी है, या किसी छोटे से रिसेप्शन वगैरह में कोई पार्टी में जाना है और आपको तैयार होना है तो यूज कीजिए ना, इससे 15 मिनट में आपको इतना अच्छा ग्लो मिलेगा, पार्टी में जाने से तैयार हो जाएंगे, फेशियल के वैसे बचेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ, मेरा वीडियो कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा जरूर, और आप लोग जब यूज करेंगे उसके बारे में बताइएगा। तो ये था आज का मेरा रिव्यू, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, ये निकला है सारा, मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अच्छा क्यों ना लास्ट में चेहरा धोकर भी आपको दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा हुआ इससे, चेहरे पे ग्लो आ गया है, यही बस दिखाना था आपको। तो थैंक यू।